दोस्तों ये मेरा पोको X3 कई बार गिर गया है, और गिरने के बाद भी दोस्तों मेरा एक बार भी फ़ोन यहाँ टूटा नहीं है। जो फ़ोन की डिस्प्ले है दोस्तों वो बिल्कुल नहीं टूटा है, क्योंकि इसमें जो मैं टेम्पर्ड ग्लास यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो काफ़ी हाई क्वालिटी की देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास जो है वो हमारा काफ़ी ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, पर हमारे फ़ोन के डिस्प्ले में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। मैं आपको यहाँ पर अगर इसे निकाल कर दिखा दूँगा इस ग्लास को, तो देख सकते हैं फ़ोन में हमारा कोई भी डिस्प्ले में कोई भी डैमेज नहीं हुआ, जबकि ये ग्लास हमारा बिल्कुल टूट चुका है। तो ऐसा ही टेम्पर्ड ग्लास आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, और कहाँ से उसे परचेस करेंगे सबकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ये पोको X3 के लिए आप लोगों को ये वाली ग्लास देखने को मिल जाता है, HD+ ग्लास देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है जब आप इसे अपने फ़ोन में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इस बात करते हैं यहाँ पर, तो एक बैक कवर हमारे फ़ोन के लिए देखने को मिल जाता है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिसे हम लोग अपने फ़ोन में अप्लाई करने वाले हैं। तो एक केस देखने को मिलता है, बैक कवर देखने को मिलता है, टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है, और ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी अपने फ़ोन में इन सभी एक्सेसरीज़ को अपने फ़ोन में अप्लाई करना चाहते हैं, अपने पोको X3 में इन एक्सेसरीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको ये ग्लास को अपने फ़ोन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो अच्छी तरह से हम लोग अपने जो फ़ोन की डिस्प्ले है गाइस, उसे हम लोग यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो हमारे फ़ोन से यहाँ से निकल जाए, और फिर हमारे फ़ोन में ग्लास अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। देख सकते हैं आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से अपने फ़ोन के डिस्प्ले को यहाँ पर क्लीन कर लेना है, ताकि कोई भी डस्ट वगैरह है वो आपके फ़ोन से यहाँ से निकल जाए, और जब अप्लाई करेंगे आप लोग ग्लास को तो वहाँ पर कोई बबल्स देखने को ना मिले। तो गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा फ़ोन क्लीन हो चुका है। हम लोग अपने इस ग्लास को अपने फ़ोन में अप्लाई करते हैं, तो ऐसे अलाइन कर लेते हैं हम लोग। अब गाइस हम लोग इस कवर को अपने फ़ोन में लगा लेते हैं, उससे पहले देख सकते हैं स्क्रीन भी मैं अपने फ़ोन में यहाँ पर अप्लाई कर चुका हूँ। तो आप लोग ये सब स्क्रीन अपने फ़ोन में अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ग्लास के ऊपर मैंने स्क्रीन इस बैक कवर को यहाँ पर अप्लाई किया है, और देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से अगर आपके फ़ोन में ग्लास वगैरह आप लोग अप्लाई करते हैं और उस पर केस वगैरह यूज़ करेंगे तो फिटिंग अच्छी मिलेगा। पर दोस्तों अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पर, तो ये ग्लास जो है लग रहा है मुझे डैमेज वाला ग्लास देखने को मिला था। देख सकते हैं आप लोगों को साइड में टूटा नहीं है ग्लास, पर साइड में कुछ यहाँ पर आप लोगों को ग्लू में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले हैं दोस्तों, हो सकता है मुझे डिफेक्टिव पीस यहाँ पर देखने को मिला है। पर दोस्तों अप्लाई करने के बाद अगर आप लोग कवर वगैरह का यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने फ़ोन में कवर भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, gearwala.com की तरफ से आप लोगों को ये केस देखने को मिलता है पोको X3 या X3 प्रो के लिए, और सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा amerika.com की तरफ से आप लोगों को ग्लास देखने को मिल जाता है। और गाइज इस कवर को अपने फ़ोन में अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो आपको जो कैमरा यहाँ पर वो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है, आपकी जो भी कैमरा बम्प आपके फ़ोन में देखने को मिलता है दोस्तों वो यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप स्लाइड करके कैमरा को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग इसे क्लोज़ कर देंगे तो कोई भी डस्ट वगैरह है आपके फ़ोन में यहाँ पर नहीं जाएगा, आपके कैमरा के सेंसर पर कोई भी डस्ट नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कटआउट्स की बात करते हैं, तो देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट हमारा है वो कटआउट्स देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम वगैरह की दोस्तों बात करते हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऊपर की तरफ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो कटआउट्स मिलते हैं दोस्तों वो भी आप लोग को परफेक्ट देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ बात करते हैं तो सारे परफेक्ट कटआउट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो स्क्रीन हम लोग यहाँ पर यूज़ करें दोस्तों वो उसकी भी खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस कवर को अपने फ़ोन में अप्लाई करने के बाद। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो लोग अपने फ़ोन में एक्सेसरीज वगैरह का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।